अगर हमें कोई भी ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना है एंड मार्केटिंग करनी है देन मेटा एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स आर सुपर इंपॉर्टेंट नाउअडे। पर आप लोग भी जानते हैं कि फेसबुक अकाउंट कितना जल्दी बैन हो जाता है या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आशु भाई, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना? वेल, डेफिनेटली सॉल्यूशन है एंड हम आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। सो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो हम अपनी पर्सनल एजेंसी के लिए कर रहे हैं या ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग के लिए कर रहे हैं, मोस्टली हम इंडिया में फेसबुक एड्स का ही इस्तेमाल करते हैं जो अभी मेटा एड्स हो गया है। बट सबसे बड़ी मेजर दिक्कत ये आ जाती है, इवन मैंने भी पर्सनली फेस किया है, कि आपका पर्सनल फेसबुक एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है फॉर अनवांटेड रीजंस। बस इतना ही नहीं, अगर आपका एक एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया देन फेसबुक विल मेक योर लाइफ 10x हार्डर टू मेक अनदर अकाउंट। भाई, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपका एक अकाउंट एक बार रिस्ट्रिक्ट हो गया देन आप दूसरा अकाउंट कितनी भी मेहनत कर लो कभी नहीं बनता वो। सो टेक्निकली स्पीकिंग ऐसे बहुत सारे सर्टेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा फेसबुक एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड डरने का नहीं है। मैं वो सारे रीजंस बैठ के आपको आराम से समझाऊंगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल टेल यू व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस। तो इस पूरी वीडियो में बैठ के हम मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे पहला कि फेसबुक एक्चुअली में हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करता क्यों है, दूसरा अगर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर भी रहा है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि फेसबुक हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट ना करे, हमें सेफ साइड पे रहना है ना, एंड तीसरा अगर बाय फार सारे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो भी जाते हैं then what will be the best solution for it, ताकि हम मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सके एंड हमारा बिजनेस अप एंड रनिंग रहे हमेशा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सवाल था कि एक्चुअली में फेसबुक या मेटा हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट क्यों करता है जब भी हम ऐड चलाने की कोशिश करते हैं। अकाउंट रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि हम एज ए एडवर्टाइजर फेसबुक को बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। अगर उनको पैसे मिल रहा है तो वो हमारा अकाउंट बैन क्यों कर रहे हैं? भाई, चुपचाप पैसे रखो, अपना बिजनेस करो, है ना। बट दैट्स नॉट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। अगर आपको फेसबुक या मेटा पे कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है देन वहाँ पे सर्टेन गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी उनके प्लेटफॉर्म के लिए। आप ऐसे ही मुंह उठा के जाके कुछ भी नहीं सेल कर सकते हैं फेसबुक पे, वो लोग आपको डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अगर आपको फेसबुक पॉलिसीज पढ़नी है देन एक बहुत लंबा चौड़ा गाइडलाइन होगा उनके फेसबुक पॉलिसी के पेज पे, आप वो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल मैं ये बता सकता हूँ कि किन किन मेजर क्राइटेरियाज या किन किन मेजर दिक्कतों की वजह से यूजुअली कौन से पॉलिसीज वायलेट होते हैं। 90% ऑफ द टाइम इन्हीं में से कोई एक होता है। जैसे अगर आपको एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें आप बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस यूज कर रहे हैं, वो बिफोर एंड आफ्टर किसी भी टाइप के इमेजेस हो सकते हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन का बिफोर एंड आफ्टर हो या फिर पर्सनल चैनल का बिफोर एंड आफ्टर हो। अगर आप दो सर्टेन चीजों के बीच में कंपेरिजन करके बिफोर एंड आफ्टर का क्रिएटिव यूज करते हैं अपने फेसबुक एड्स अकाउंट में देन देयर आर गुड चांसेस आपका वो एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर टाइप ऑफ कंटेंट, फेसबुक को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी अडल्ट टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे। अब अडल्ट प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्टली अगर आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रहे हैं देन अगर एड क्रिएटिव के अंदर कोई भी सर्टेन बॉडी पार्ट रिवीलिंग होगा फेसबुक इंस्टेंटली टर्मिनेट कर देगा आपका अकाउंट बिना कोई सवाल पूछे। सो ये कुछ दो तीन मेजर पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से एक्चुअली में अकाउंट 90% ऑफ द टाइम आपका रिस्ट्रिक्ट होता है, बिकॉज लोग इसी टाइप के एड चलाना प्रेफर करते हैं अगर वो सर्टेन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हो। इन टाइप के एड क्रिएटिव एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड मेटा एड्स पे ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पेक्ट दी पॉलिसी गाइडलाइन। चलो, ये तो एड पॉलिसी की बात हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप एक दिन सुबह उठे, आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप किचन वेयर या होम डेकोर वाली चीजें बेच रहे हैं, स्टिल आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसमें तो आपने कुछ बिफोर एंड आफ्टर यूज नहीं किया, उसमें तो आपने कुछ अडल्ट प्रमोट नहीं किया, देन क्यों बैन हुआ? कोई रीजन नहीं है। कभी कभी जुकू भाई को ऐसे मजे आते हैं एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करने में, गजब बेइज्जती है। सो मोस्टली अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं स्टिल आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, आप ट्राई करें कि आप उस पर्टिकुलर एड अकाउंट को रिव्यू पे डालें एंड 90% ऑफ द चांसेस आर कि आप उनसे चैट करके अपना अकाउंट रिट्रीव कर सकते हैं। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि कोई मैनुअली सारे एड्स को रिव्यू करने के लिए नहीं बैठा है, फेसबुक के बहुत सारे बॉट सिस्टम बैठे हुए हैं जो सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से अकाउंट या एड क्रिएटिव को जज करके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो भाई, ये सब एक रोबोट भैया कर रहे हैं, कोई मैनुअल इंसान नहीं कर रहा है। एंड जब भी आप एक मैनुअल रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं देन एक डेडिकेटेड टीम आपके अकाउंट को चेक करता है कि एक्चुअली में आपके अकाउंट में कुछ दिक्कत थी भी या नहीं। फिर बात आती है कि जब भी हमारा एक एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारा सेकेंड थॉट यही आता है कि हमें जाके दूसरा एड अकाउंट बना लेना चाहिए, बट वो होता नहीं है कभी भी। जस्ट बिकॉज जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस से आप अपना फेसबुक एड्स अकाउंट मैनेज कर रहे थे या फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल मैनेज कर रहे थे, अगर वो एक बार रिस्ट्रिक्ट हो जाता है देन फेसबुक इजीली ट्रैक कर सकता है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस से, इस पर्टिकुलर लैपटॉप से एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है मतलब ये लोग कुछ फिशी कर रहे हैं एंड फेसबुक आपकी लाइफ बिल्कुल मिजरेबल बना देगा उस पर्टिकुलर डिवाइस से एक और अकाउंट बनाने के लिए। वेल यूजुअली वो लोग स्पेसिफिक ब्राउजर का मैक एड्रेस चेक करते हैं, उनसे उनको आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर यूजर ने एक अकाउंट ऑलरेडी पास्ट में रिस्ट्रिक्ट किया भी है या नहीं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मल्टीपल अकाउंट्स फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन निकलता है, अगर आपका एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है देन आपको दूसरा एक नया अकाउंट दूसरे नए डिवाइस पे लॉग इन करके उसी डिवाइस से एक्सेस करना चाहिए फेसबुक ऐड। बट यार हर इंसान थोड़ी ना अमीर है कि हर दूसरे दिन नया लैपटॉप खरीद रहा है। हाँ ये भी सही बात है एंड इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम कोई एक ऐसा एंटी डिटेक्शन ब्राउजर यूज करें जिसका मैक एड्रेस हर बार चेंज होता है अगर हम उसको स्पेसिफिक आईपी से कनेक्ट कर देते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू विच इज द बेस्ट एंटी ब्राउजर जो हम यूज कर सकते हैं अगर हमें मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स मैनेज करने हैं तो। सो बिल्कुल एंड तक रुके रहो। अपार्ट फ्रॉम मैक एड्रेस एंड फिंगर प्रिंटिंग द होल ब्राउजर वो लोग आपका डेडिकेटेड आईपी भी चेक करते हैं। अगर आपका एक आईपी एक बार ब्लैकलिस्ट हो गया देन उस आईपी एड्रेस पे दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाना या इवन दूसरा एड्स अकाउंट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो इसके लिए पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है। हाँ भाई घर बदल लो, बेस्ट है। मैं पटना से अपने गांव जाता हूँ, वहाँ पे जाके एक नया एड अकाउंट बना लेता हूँ। हाँ वो हमेशा काम करता है। मेरे कजन भाई इसलिए हेल्प करते हैं मुझे लग रहा है ये वीडियो देख के कजन भाई मेरे से पैसे मांग लेंगे। बट एनीवेज ये तो हमें समझ में आ गया कि फेसबुक हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करता क्यों है। अब बात ये आती है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं या फिर हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारा फेसबुक अकाउंट एट द फर्स्ट प्लेस रिस्ट्रिक्ट ही ना हो। वेल पहली चीज, कभी भी एक फ्रेश फेसबुक अकाउंट पे फ्रेश फेसबुक पेज क्रिएट करके फ्रेश फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर एक नया एड कभी नहीं क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने आज एक फेसबुक अकाउंट बनाया, आपने आज ही फेसबुक पेज उसके अंदर बना दिया, फिर उस फेसबुक पेज के साथ आपने एक बिजनेस मैनेजर बना दिया एंड बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने एड्स मैनेजर बना दिया, एड्स मैनेजर के अंदर आपने एड अकाउंट बना दिया एंड आज ही के आज आपने एड रन कर दिया। भाई एक बार सोच के देखो जुकू भैया को कितना डाउट होगा तुम पे कि एक ही दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज कैसे कर रहा है ये इंसान। सो दी बेस्ट प्रैक्टिस इज कि अगर आप जब भी एक फ्रेश अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं गिव सम टाइम। अकाउंट को वार्म अप होने में हमेशा टाइम लगता है। तो अगर आपने 1 जनवरी को अपना फेसबुक अकाउंट बनाया देन उसके ऊपर नॉर्मल पोस्टिंग कीजिए, 1-2 ग्रुप नॉर्मली ज्वाइन कीजिए एंड ट्राई टू बी एक्टिव ऑन दैट। नॉर्मल इमेजेस पोस्ट कीजिए, नॉर्मल टेक्स्ट इमेजेस पोस्ट कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू बी एक्टिव फॉर 1 सिंगल मंथ। देन 7 या 10 दिन बाद आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है। बस पेज क्रिएट करके छोड़ देना है और कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है। फिर आपका अगले 1 हफ्ते का यही काम होगा कि आप उस स्पेसिफिक फेसबुक पेज पे रेगुलर अमाउंट ऑफ कंटेंट पोस्ट करें। मोस्टली वो कंटेंट आपके बिजनेस पेज से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका एक गैजेट से रिलेटेड बिजनेस पेज है देन आप रेगुलर अमाउंट ऑफ गैजेट के फोटोज पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। सो ये चीज आपको अगले 1 हफ्ते तक करनी है। सो टेक्निकली अभी तक 20 दिन चले गए। सो 20 या 25 दिन बाद आप एक्चुअली में सोच सकते हैं कि आपको एक बिजनेस मैनेजर बनाना चाहिए इस नए फेसबुक अकाउंट के साथ। एंड जिस दिन आपने बिजनेस मैनेजर उस दिन एड्स मैनेजर नहीं बनाना है, उसके 2-3 दिन बाद बनाना है। एड्स मैनेजर बनाने के बाद उसके 2-3 दिन बाद एड अकाउंट बनाना है एंड देन उसके 2-3 दिन बाद आपको कैंपेन रन करना है। सो द बेस्ट प्रो टिप विल बी अगर आप एक नया कैंपेन रन कर रहे हैं 1 या 1.5 महीने बाद जब भी आपका पूरा अकाउंट वार्म अप हो जाए बिल्कुल स्क्रैच से देन कभी भी कन्वर्जन कैंपेन रन नहीं करना है द फर्स्ट प्लेस। हमेशा एक एंगेजमेंट कैंपेन से शुरू करना है। आपके फेसबुक पेज पे एंगेजमेंट भेजिए, ट्रैफिक भेजिए, लाइक्स एंड फॉलो बढ़ाइए अपने फेसबुक पेज पे एंड देन आपका फेसबुक पेज तो वार्म अप होगा, आपका एड अकाउंट भी वार्म अप होगा। बिल्कुल स्मॉल बजट के हिसाब से 100-150 रुपए के हिसाब से आप अपना एड अकाउंट वार्म अप कर सकते हैं एंड इस पूरे प्रोसेस के हेल्प से आप नए फेसबुक अकाउंट या बिजनेस मैनेजर को वार्म अप कर सकते हैं एंड रिस्ट्रिक्ट होने से बचा सकते हैं। सो ये तो हमारा दूसरा सवाल हो गया एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों सवाल। पहला कि फेसबुक हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करता क्यों है एक्चुअली में, दूसरा अगर करता भी है देन हम उसको बाईपास कैसे कर सकते हैं या फिर बच कैसे सकते हैं उससे। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एक्चुअली में फॉलो करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा खासा फेसबुक अकाउंट मेंटेन कर सके। मोस्टली अगर आप ओल्ड अकाउंट यूज करेंगे देन आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा बच जाएगा। अपने कजन भाइयों को याद करने का बहुत सही टाइम आ चुका है मेरे दोस्तों। ठीक है तो अब हम हमारे थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सो बेसिकली अगर हमारे सारे एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड हमारे सारे आईपी और मैक एड्रेसेस ब्लैक लिस्टेड है देन हम मल्टीपल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हर बार तो घर चेंज नहीं कर सकते, हर बार तो नया लैपटॉप नहीं ले सकते, राइट ऑब्वियसली। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हम एक एंटी डिटेक्शन ब्राउजर यूज करें जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल ब्राउजर्स बना सकते हैं विद डिफरेंट आईपी एड्रेसेस एंड मैक एड्रेसेस ताकि फेसबुक या मेटा को लगे कि हर बार अगर एक नया अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है तो वो एक डेडिकेटेड आईपी से डेडिकेटेड लोकेशन से क्रिएट किया जा रहा है, सेम ही डिवाइस से मल्टीपल अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहे हैं। सो इस केस में हम एक एंटी डिटेक्शन ब्राउजर यूज करेंगे। अब एंटी डिटेक्शन ब्राउजर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि अगर हम ये स्पेसिफिक ब्राउजर यूज करते हैं देन हमारी आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस डिटेक्ट नहीं होती है जो हमारे लोकल सर्वर पे होता है। मतलब जैसे हम एक एंटी डिटेक्शन ब्राउजर यूज करते हैं हमारे सामने एक डेडिकेटेड ब्राउजर ओपन हो जाता है जिसका आईपी एड्रेस दूसरी कंट्री का हो सकता है, जैसे कनाडा, जैसे यूएस, एंड हम उस पूरे ब्राउजर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू। जस्ट उस ब्राउजर का मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस दूसरी कंट्री का होगा। सो दैट अगर हमें फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, फेसबुक एड अकाउंट मैनेज करना है, देन हम सारे एड अकाउंट को मल्टीपल ब्राउजर्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं एंड सारे के सारे डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के साथ होंगे। well, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एंटी डिटेक्शन ब्राउजर आपको मिल जाएंगे, बट जितनी रिसर्च मैंने की है बाय फार गोलॉगिन इज द बेस्ट एंटी डिटेक्शन ब्राउजर आउट देयर अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट। एंड डरने का नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि गोलॉगिन आप स्टेप बाय स्टेप सेटअप कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोफाइल्स कैसे सेट कर सकते हैं। उसमें एक बार आपने पूरा गोलॉगिन का सिस्टम सेटअप कर लिया, सारे प्रोफाइल्स मैनेज कर लिए, देन आपका फेसबुक एड्स अकाउंट का रिस्ट्रिक्शन गारंटीड तरीके से फिक्स हो सकता है। well, obviously, आपको हमेशा फेसबुक एड्स अकाउंट की पॉलिसी भी ध्यान में रखनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप मल्टीपल अकाउंट्स एक ही साथ मैनेज कर सकते हैं गोलॉगिन के साथ। सो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने से पहले मैं आपको गोलॉगिन की प्राइसेस बता देता हूं। अगर आप मंथली लेने का सोच रहे हैं देन इट विल कॉस्ट यू $50, एंड अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट मोर डिस्काउंट। बट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैं बहुत टाइम से गोलॉगिन के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था सो दैट वी कैन गेट ए लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट कोड फ्रॉम देयर साइड फॉर आवर ऑडियंस, व्हाई नॉट। सो स्क्रीन के कॉर्नर में आपको एक डिस्काउंट कोड दिख रहा होगा, अगर आप वो कोड यूज करते हैं यू विल गेट इंस्टेंटली 40% ऑफ ऑन एनी प्लान। इजंट दैट ग्रेट। तो अब मैं बाकी का प्रोसेस आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। सो हम लोग हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड आप देख सकते हैं गोलॉगिन का पेज ऐसे दिखता है। जैसे आप गोलॉगिन के पेज पे आते हैं, आपको अगर गोलॉगिन अपने डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड करना है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, देन आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक क्लिक करना है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं देन ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा विंडोज़ के लिए। सो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं देन आप यहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैक यूज़ कर रहे हैं देन मैक के लिए, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ देन आई विल क्लिक ऑन मैक। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं। जैसे YouTube वीडियो एक प्रोफाइल होगा, यहाँ पे आप एक और प्रोफाइल बना सकते हैं। सो आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं। प्रोफाइल मीन्स आप एक सेपरेट ब्राउजर बना रहे हैं जिस ब्राउजर में एक सेपरेट आईपी होगा, एक सर्वर होगा जिसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो अपने इस लैपटॉप से जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक प्रॉक्सी चाहिए होगा, यूजुअली आप प्रॉक्सी कहीं से भी ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर। $2-3 मंथली का आता है, यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल। आप गूगल पे जाके प्रॉक्सी लेंगे, कोई भी एक नॉर्मल प्रॉक्सी इजिली काम करती है, ठीक है। जैसे ही आप प्रॉक्सी परचेज कर लेते हैं आपको प्रोफाइल बनाना है। यहाँ पे आप एड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, देन आप प्रोफाइल का नाम देंगे। जैसे मैं इसका नाम देता हूँ YouTube वीडियो पार्ट 2, ठीक है, हम YouTube का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैं अपने प्रॉक्सी की डिटेल्स डालूंगा और प्रॉक्सी की डिटेल्स में IP एड्रेस आता है, यहाँ पे उसका पोर्ट आता है, यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। सो ये सारी चीज़ें जहाँ से भी आपने प्रॉक्सी परचेज़ किया है वहाँ पे आपके सेटिंग्स ऑप्शन में सारे के सारे प्रॉक्सी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली प्रॉक्सी हेल्प करेगा आपके ब्राउजर की आईपी चेंज करने के लिए, जो भी ब्राउजर आप यूज करेंगे गोलॉगिन के हेल्प से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं पहले ये सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है। जैसे यहाँ पे आईपी एड्रेस हो गया, पोर्ट हो गया, पोर्ट मेरे हिसाब से गलत है, मैं इसको वापस फिक्स कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे पोर्ट इंसर्ट कर दिया है। पोर्ट के बाद लॉगिन आता है, उसके बाद पासवर्ड आता है। ये आपको चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। अगर ये रेड होता है दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है, रेड नहीं होना चाहिए। ग्रीन आ गया, सब कुछ सही है। ये यूएस की प्रॉक्सी है, मतलब जो ब्राउजर्स के साथ ये प्रॉक्सी कनेक्टेड होगा उसका आईपी एड्रेस यूएस का होगा। सो मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ एंड हमारे सामने एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्रॉक्सी के साथ। आप देख सकते हैं ये वाला प्रोफाइल अभी क्रिएट हुआ है, यूट्यूब वीडियोज़ पार्ट 2। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को रन करता हूँ तो हमारे सामने एक डेडिकेटेड ब्राउजर ओपन हो जाता है। लेट मी शो यू द मैजिक। मैं रन पे क्लिक करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। हमारे सामने एक डेडिकेटेड ब्राउजर ओपन हो जाता है। इस डेडिकेटेड ब्राउजर का आईपी एड्रेस यूएस बेस है क्योंकि हमने यूएस का प्रॉक्सी अटैच किया। टू शो यू द प्रूफ, अगर मैं यहाँ पे जाके बताता हूँ व्हाट्स माई आईपी, आप देख सकते हैं इस ब्राउजर का जो आईपी एड्रेस है वो यूएस है, न्यूयॉर्क बेस्ड आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि अगर आपको मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स चाहिए या फिर आपको मल्टीपल फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है, इवन मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट लॉगिन करना है, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ गोलॉगिन। आप यहाँ पे जाके facebook.com पे जाके अपने मल्टीपल अकाउंट सेपरेट यूजर्स के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। सेम थिंग गोज़ विद YouTube एज वेल। अगर आपको मल्टीपल YouTube चैनल साइमल्टेनियसली चलाने हैं देन रैदर देन ऑपरेटिंग each and every single YouTube channel with one single IP। आप multiple IP से multiple Facebook and YouTube accounts manage कर सकते हैं। So इससे होगा क्या, आपके individual Facebook and YouTube accounts सब के सब protected रहेंगे and अगर गलती से किसी एक account को भी कुछ होता है then आपके सारे accounts एक ही बार में disable नहीं होंगे। सो प्रोसेस बहुत ईजी, आप यहाँ पे आके या तो साइन अप कर सकते हैं या डायरेक्टली अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। सिमिलरली यूट्यूब का भी, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली यूट्यूब पे आते हैं, यहाँ पे आके साइन इन कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी के साथ एंड अपना यूट्यूब चैनल एक सेपरेट डेडिकेटेड गो लॉग इन प्रोफाइल में ओपन कर सकते हैं। देन आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ये टूल यूज कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग एजेंसी चला रहे देन आप क्लाइंट फाइंड करने के लिए या प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को टारगेट करने के लिए एंटी डिटेक्शन ब्राउजर यूज कर सकते हैं। सो इस एक टूल की हेल्प से आप मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स मोर अबाउट हाउ यू ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर टूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, आई होप ओवर एंड ऑल आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट क्यों होता है, फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए एंड हाउ यू कैन यूज एन एंटी डिटेक्शन ब्राउजर टू एक्चुअली मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स विथ हैविंग अ श्योरिटी कि आपका अकाउंट डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा इफ यू आर यूजिंग गो लॉग इन फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल प्रोफाइल्स एंड मल्टीपल डेडिकेटेड ब्राउजर फॉर ईच प्रोफाइल। सो गो लॉग इन की हेल्प से आपके सारे फेसबुक अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, आपका बिजनेस भी अप एंड रनिंग रहेगा एंड सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है, कोई डरने की बात ही नहीं है। एंड आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जस्ट बाइंग ए वीपीएन उससे आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन नहीं होगा। यू नीड टू हैव ए प्रॉपर एंटी डिटेक्शन ब्राउजर जहां पे आप डेडिकेटेड प्रॉक्सी के साथ सेपरेट ब्राउजर में अपने सारे फेसबुक अकाउंट्स मैनेज कर सके। इवेंचुअली अगर आप वीपीएन भी यूज करते हैं वो आपके सिस्टम पे ही एक्टिव होगा, वो एक सेपरेट ब्राउजर और सेपरेट मैक एड्रेस क्रिएट करके नहीं देगा आपको। सो इट्स नॉट गुड टू रिलाई ऑन ए वीपीएन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी सवाल है या डाउट हो जो मैंने मिस कर दिया हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड अगर आपको गो लॉग इन यूज करना आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं। आपको 40% का डिस्काउंट कोड यहाँ पे दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, डेफिनेटली गो यूज दैट। इट्स जस्ट नॉट अबाउट फेसबुक एड्स, आप ड्रॉप शिपिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इवेंचुअली आप जितना ज्यादा इस टूल को यूज करेंगे आपको मालूम चलेगा ये आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है एज ए मार्केटर। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशा दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। चीयर्स।